हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। या आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मेरा राइस बन रहा है, जैसे पूरा धुआं 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 दिख रहा है। एंड यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। आई नो आई एम टू लेट, मतलब अभी आप लोगों को टाइम नहीं पता, बट अभी 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। आई गेस मैं टाइम देख लूँ। इट्स 10:30 ऑलमोस्ट एंड यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैंने ऑलरेडी सबको बना के दे दिया है, सब खा रहे हैं मज़े से, और मैं अपना अभी बना रही हूँ। एंड या लेट्स मेक माई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में पता नहीं मम्मी ने क्या बैटर बनाया है, तो वही बन रहा है। लेट्स सी। एंड देन फिर मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो वही सुखाने थे, इसलिए मैं बाल खोल के आ गई थी। क्योंकि मतलब एक बार आप सीरम लगा लो तो बाल सूखने में, मतलब बांध के रख के तो सूखेंगे ही नहीं। द रीज़न मतलब वैसे तो किचन में बाल बंदे रहना चाहिए गाइस, बट अपने घर में सब चलता है। अपने घर में मतलब अपने अपने घर में तो सब चलता है। तो फिर मैंने सबको अपना ब्रेकफास्ट दिया। पापा जा चुके थे, बट मम्मा ने ही ये बैटर बनाया, और मम्मा को ही नहीं पसंद आया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मम्मी ने पता नहीं क्या क्या मिक्स कर दिया था, बट मतलब ठीक ठाक था। देन फिर अब मैं अपने लिए बना रही थी यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि मुझे घी यूज़ करना पड़ता है। द रीज़न मतलब मैं एंड में बनाती हूँ या फिर मैं पहले बनाती हूँ, तो फिर मैंने एंड में बनाया क्योंकि मुझे सबको पहले देना था इसलिए। एंड देन फिर हमने भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। ख़त्म मतलब इन्जॉय किया, इतना कुछ खास था नहीं, बस खाने को बुरा नहीं बोल सकते। एंड फिर मैंने उसको धनिया पत्ते की चटनी से खाई, क्योंकि फ्लेवर तो चाहिए ना। एंड आई जस्ट लव कोरिएंडर की चटनी, भाई गज़ब लगती है। एंड मम्मा शायद पूजा कर रहे थे। एंड देन फिर मैंने मेरा ब्रेकफास्ट अच्छे से इन्जॉय किया। मीनवाइल जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ये मैडम सब्जियां कट कर रही थी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स चालू है, सेम्स चालू है, लाइक 11th स्टैंडर्ड। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि पीयू दिया कौन से स्टैंडर्ड में। दिया इज़ इन 11th एंड पीयू इज़ इन 6th। फैले हुई जगह में काम करने में मजा आता है। कलेश चल रहे हैं हमारे घर पे गाइस, सब याद है मुझे। तुम कलेश करो, आओ गाइस कलेश देखते हैं। अरे मार खाएगी तुम्हारे। तो काज कर भाई, गुस्सा तो काज कर, तो काज कर। हमें तो हमारी काज करते हैं। जी मारते हैं, हमें हमारा दौड़ बोलते हैं। मजा आया। जब आप बोलो। क्या चे? चुप कर यार, नहीं जा रहा। एक मिनट उधर आ जाएगी। नहीं तो एक बार डाल दिया, मैं वापस आ लूंगा, देख ले। गंगा जल। फिर हमने यहाँ पे रोटियाँ बनानी थी, तो फिर मैंने सारी रोटियाँ बनाई, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मम्मी इतने गर्मी में खड़े होकर बनाती है। जितना मुझसे हो सकता है मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ, फिर जाके मैं अपना खुद का काम भी करती हूँ। एंड फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, और ये लोग सिर्फ मस्ती कर रहे थे मेरे पीछे आके। तो मन तो कर रहा था इसे एक एक को धर दूँ, बट क्या कर सकते यार, मम्मी मुझे धर देगी और मैंने इनको धरा तो हूँ। बट फिर सबका बनाने के बाद सबकी रोटियाँ, एंड देन फिर मैंने पीयू की टिफ़िन पैक की, क्योंकि आज उसका फुल डे था, क्योंकि बोर्ड्स वालों का एग्ज़ाम चल रहा है। द रीज़न उसके हाफ डेज होते हैं बीच बीच में, बट आज फुल डे था, तो फिर मैंने फुल डे के हिसाब से उसको 3 रोटियाँ दी। क्योंकि ये लोग टिफ़िन तो लेके जाते गाइस, बट खाते ही नहीं, पता नहीं क्यों। बट माई सिस्टर इज़ फूडी लाइक हेल, उसको कुछ भी दे दो खा लेगी, बट कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं खाती है वो। बट ठीक है, ऐसे होने चाहिए बच्चे एक्चुअली। बट फिर भी वो कभी कभी तो टिफ़िन रिटर्न लेके आ जाते, क्योंकि वो परफेक्ट है। एंड देन यहाँ पे उसका मुंह सड़ा हुआ था, क्योंकि मम्मी पता नहीं कुछ तो उसको डांट रही थी या कुछ तो कर रही थी, तो फिर ऐसे भड़की हुई थी, उसका मुंह देखो। एंड देन फिर मम्मा भी रेडी कर रही थी उसको। हमारे घर की लाइट जा चुकी, लाइट पता नहीं क्यों गई, आई गेस वहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है, पता नहीं। हमारी लाइट डीम चल रही है लेजिट। 3 दिन से मैं खाना नहीं बना रही, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बोर होता है, और मैं 3 दिन से सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ। बट आज टिया मेरे लिए खाना बना रही है गाइस, तब तक आई विल एंजॉय माय चास। और अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है ना,
गजब गर्मी बढ़ी अचानक से और लाइट भी चली गई है पता नहीं क्यों। ऐसे यूजुअली हमारे यहाँ पे लाइट जाती नहीं है बट लाइट गई है, कुछ तो रीज़न होगा, वहाँ पे शायद काम चल रहा होगा। डोंट नो गाइज, मैं पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ मेरी मम्मी वहाँ पे वो आंटी से पता नहीं कौन मिल गई, उनसे बात करने में बिजी है। वो जो दिख रहे टमाटर का टुकड़ो मेरी उनसे बहुत फटती है बचपन से, अभी मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं इनके ऊपर। ओ शिट, मम्मी के पास गए वो लोग, मेरी उनसे मतलब जब वो लोग घर के बाहर आते थे मैं घर से भाग जाती थी या घर के अंदर कहीं जाके छुप जाती थी, मेरी उनसे इतनी डर इतनी फटती थी। शिट, मेरी अभी भी फटती है। मम्मी वहाँ पे पिछले 15 मिनट से खड़ी है, मम्मी ने उनको पैसे दिए, वो अपने आप को मारते जिस तरह से ना भाई, गजब मेरी फटती है उस चीज़ से। वो रही मेरी मम्मी गाइस, जो आधे घंटा हो तो हो ही चुका होगा जब से वो बात करी हुआ खड़े कर, मैंने कॉल भी किया मम्मी आ जाओ, माय मम्मी लाइक हाँ हाँ आती हूँ। लुक एट देम, देखो उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, द वे दे मतलब जिस तरीके से वो लोग मारते हैं ना ढाम ढाम करके, मेरे को अभी भी डर लगता है भाई। पता नहीं लोग डरते क्यों नहीं हो उनसे, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। अगर आप लोगों को भी उनसे डर लगता है तो डू लेट मी नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी मम्मी हिली जगह से, नाउ शी विल कम होम। सो गाइस, दिस इज माय लंच, ये है सलाद, व्हाटएवर इट इज, क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या बोलते हो पता नहीं, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभी, बट इसमें बीटरूट और गाजर है, इसमें क्यूकम्बर नहीं है, और ये है फ्राइड राइस। मुझे इसके साथ सूप भी लेना था बट मैंने नहीं लिया बिकॉज आई डोंट लाइक सूप, पता नहीं वो वाले सूप कैसे अजीब लगते हैं यार, मेरे को सिर्फ मंचाओ सूप पसंद है, बट ठीक है। अच्छा स्पॉट ढूंढना है वैसे मैंने खाना खाने के लिए अपने, लेट्स स्टार्ट इट। पता है मुझे खाने को देख कैसे नहीं करना चाहिए, दिया ने बनाया वैसे ये, अच्छा खाना बना लेती है। इवनिंग में आई वॉज हंग्री तो फिर मैंने ये संतरे खा लिए, इसको टैंजरीन बोलते हैं आई गेस, आई डोंट नो, बट ये मेरे फेवरेट होते हैं। मुझे ये छिलने में बहुत मज़ा आता है और फिर उसके छिलके निकालने में और मज़ा आता है और फिर मुझे खाने में उससे ज़्यादा मज़ा आता है। आई जस्ट लव दिस फ्रूट, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत पसंद है। अगर मीठी हुई तो या खट्टी तो नेवर, आई एम नॉट गोना टच दैट, एक टेस्ट करके दूसरों को दे देती हूँ। बट ये वाले काफ़ी मीठे थे तो फिर मैंने ये खाया इवनिंग में क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, और अब तो मैं मतलब डाइट हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ ना तो मैं अब जंक नहीं खाती, बट आगे आपको पता चलेगा और फिर आप आगे जाके मुझे गाली दोगे, बट नहीं देना प्लीज़। 2 महीने में एक बार खाया मैंने वैसे तो। सो या फिर मैंने अपना टैंजरीन इंजॉय किया एंड देन फिर बहुत स्विंग्स हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा मम्मा को बोलूँ कि मेरे लिए पानी पूरी लाए, तो मम्मा पानी पूरी लेके आए थे, आई हैड पानी पूरी। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज, ये उसका बेबी था मैं यही दिखा रही थी, छोटू सा बेबी था ये। एंड देन फिर मैंने अपना एक या दो ऑरेंज खाया एंड देन फिर मैंने पानी पूरी खाया, 2 या 3 4 आई गेस। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय